गुड मॉर्निंग कलकत्ता, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग्स। अगर सब लोग कैसे हो, आई होप लोग अच्छे होंगे, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हैप्पी रहो, एट ऑल हैप्पी रहो। सो कैसे भी सुबह के बज रहे हैं 5:46। कल हम लोग जल्दी जल्दी आके खाना वाना खा के सो गए थे ना, तो इसी वजह से मतलब मुझे उन लोग बोल रहे थे कि अर्शवी सुबह उठ के अपनी सेल्फ स्टडी करेगा 5 बजे। तो बस कहने के मुताबिक उठ गए हैं, तो वो लोग अपनी पढ़ाई, अर्शवी सर अपनी पढ़ाई दे दी गई है नहाने, और मैं जा रही हूँ। गाड़ियों की आवाज़ें बड़ी होती है गाइस यार, यहाँ पर ब्लॉग शूट मतलब बैल्कनी में तो खड़े होकर ब्लॉग शूट ही नहीं कर सकते। खैर एनीवेज एक बार देखो, देखो लीजू बैठी है आराम से, ए लीजू ले जाओ, गुड मॉर्निंग बच्चे, आराम से बैठ गई चेयर पर। अरे हमारे भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ, हमारे तुलसी माता, ये हमारे सारे प्लांट्स, वाह एकदम लग गए अच्छे तरीके से, वाह वेरी नाइस गाइस। देखो हमारे यहाँ पे एक छोटू सा फ्लावर हुआ है। हेलो अर्श, गुड मॉर्निंग, टाइम देखो आपको मिलती हूँ, अर्शवी का टिफिन वगैरह सब कुछ रेडी करके उसको भेज के टोटल। टिफिन में ये बना रही हूँ बरबट्टी का, मतलब ये भुजिया टाइप का बनाऊंगी साथ में रोटी बस। देखो अभी 7:30 बज गया और दीदी और अर्शवी चले जा चुके हैं स्कूल, और इधर का सब मेरा रह गया काम, वो करना है मेरे को सब कुछ कंप्लीट, सब फैला रखा है पूरा एकदम घर, वो तो रोज़ का ही काम है यार। ये देखो पूरा एकदम पूरा कैसे फैलाया हुआ है। और लीजो रानी बैठी हुई है, उससे पहले तो गैस मैं करती हूँ थोड़ा सा कुछ खाती पीती हूँ, फिर उसके बाद कुछ करूँगी। ये देखो चाय पी रही हूँ, ठीक है, और साथ में मैं खा रही हूँ केक, मतलब इस चीज़ को लीजा को भी चाहिए, लीजा मांग रही है, और साथ में खा रही हूँ बिस्किट, देखना भी केक कैसे खाएगी। देखा ऐसी चीज़ें तो इसको भगवान दे आके खाने के लिए, सोना पोता। तो मिलती हूँ सारी चीज़ें करने के बाद। और रही बात खाने पीने की, तो सब्जी जो मैंने बनानी वो एक ही बार बना ली है, और बस दाल और चावल बनाना। ओके मिलते हैं और बने रहो ब्लॉग के एंड तक। सुबह से इतना सा भी टाइमली मिलता देख लो, 5:30 बजे से 7:30 बजे तक परेशान। तो गाइस फाइनली हमारे घर के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, और मैं हो गई टोटली फ्री। और आज का वेदर ना बहुत ही ज़्यादा औसम मस्त हो रखा है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, और कोलकाता साइड तो बारिश हो रही है, दीदी का भी कॉल आया था बता रही थी। तो अब मैं हो गई टोटली फ्री, और नाना वाना मेरा सब कुछ चुका है कम्प्लीट। और रही बात गई सब खाने पीने का मुद्दा आता है, तो खाने पीने में ना गई नानी ने उधर बना रखा है, और अभी अचानक से सब कुछ मतलब बोलते हैं ना जज्बात मिनट में एकदम सेकंड में पलट दी, तो यहीं पे था सब कुछ, बट अभी नानी ने सब कुछ बना के रख लिया। तो मैं अभी जा रही हूँ नानी घर पे, और दीदी और अर्शवी डायरेक्ट स्कूल से नानी घर पे ही आएंगे, और आई थिंक आज रात को वहीं पर रहने की प्लानिंग चल रही है दीदी और अर्शवी। बस मैं तो नहीं रह सकती बिकॉज दादी भी घर पर नहीं है, लीजू को घर पर अकेले छोड़ नहीं सकते, वैसे तो दिन में रह लेती है पर रात को कभी भी नहीं रहेगी, चिल्ला चिल्ला के पूरी बिल्डिंग को मतलब सिर पर उठा के घूमेगी पूरी रात। खैर एनीवेज तो बस लीजू को खाना पीना देती हूँ और करके मैं निकलती हूँ। कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए, और ये देखो मेन तो यही मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो गाइस कितना मस्त फ्लावर हुआ है ना, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी, मस्त लग रहा है एकदम। और ये इसमें आज कोई भी फूल नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, होंगे और धीरे धीरे होंगे। बस अब लीजू को खाना देती हूँ, दे के निकलती हूँ फटाफट, और बाकी सारी घर की सारी चीज़ें कम्प्लीट। हवाएँ देख लो कैसे चल रही है बाहर, भीड़ कैसे हिल रहे, बाप रे ठंडी, ओ वाह ऐसा ही वेदर होना चाहिए मस्त एकदम मौसम वाला। और लीजो रानी ये बैठी है गाइस, मैंने लीजो रानी के साथ पंगा लिया है, देखो दिखाऊँ, देखो लीजो को भी मैंने मेकअप किया है, ये देखो इसके मैंने बिंदी लगा लो, इसको देख लिया आप इसने लीजो, अच्छा एक बार फेस 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 आ देखो गाइस इसको बिंदी लगाई मैंने, अच्छा ठीक है इधर तो आओ, इधर तो आओ, ये देखो इसके नेल पेंट लगाए मैंने, ओह माय गॉड क्यूटी पाई है ना, ये देखो कितने क्यूट लग रहे हैं इसके नेल्स, ओह माय गॉड बस कर ले, गला खराब हो जाना तेरा, इतना जोर चिल्लाएंगे तो किसी बाहर को डॉगी को देख लिया इसने। हवाएं बहुत मस्त चल रही हैं,
रहती हूँ सीधा नानी घर पे ही। यार पता है वहाँ पे ना मेरे को जाना पसंद नहीं है, मतलब बोर होती हूँ वहाँ पे सारे। अभी दोपहर में खाना मैंने खा के सो जाएंगे और क्या बताऊँ। इतना वहाँ पे जाना ना कहीं, अगर बताऊँ सच में तो वहाँ पे जाना इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे मैं बोर होती हूँ। तो खैर एनीवेज सब दीदी ने बोला है तो जाना है, दीदी और अर्शवी डायरेक्ट वहीं पर आएंगे, मतलब आपको मिलती हूँ सीधा, दीदी और अर्शवी राजा फिर। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था नानी घर पे आके मिलती हूँ, सेम मैं नानी घर पे आ चुकी हूँ। दीदी और ना और अर्शवी तो अभी तक आए नहीं है, 3:46 टाइम हो गया, ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं। और यहाँ पे जो बारिश हुई है ना, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। वैसे तो मौसम है बहुत मस्त ठंडा, देखो मस्त वेदर हो रखा है। और सारे प्लांट्स वगैरह खेती अपनी को बोला था वहाँ जाके मैं बोर होती हूँ, देखो मैं भी हो रही हूँ बोर। ये नीचे घूम रही हूँ ऐसे ही, पानी देखो कितना, बारिश हो रही थी, गाड़ी पूरी भीग गई है, सबके सब ऊपर सोए हुए हैं। और मेन मुद्दा जो है नाना जी घर पे हैं। ये फूल कितना मस्त हुआ ना। दीदी हम लोग आ जाए तो खा पी के थोड़ा करेंगे रेस्ट, फिर मैं तो चली जाऊँगी, दीदी आज शायद यहीं पर रहेंगी, देखते हैं कैसा क्या होता है। मेरे को तो जाना पड़ेगा ही कुछ भी कर लो, क्योंकि लीजा घर पे अकेली है। तो वैसे दीदी और अर्शवी तो आ गए थे स्कूल से, ब्लॉग शूट करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि नाना जी घर पे थे। आए खाना वाना खाए हम, मैंने भी थोड़ा रेस्ट किया। और दीदी और अर्शवी तो शायद आज रात को यहीं पर रहेंगे, टाइम 6:30 बज चुका है, 7 बजे तक निकलूँगी यहाँ से। और छोटे को भी सोया हुआ है, इसके लिए अभी यहाँ पे रात है। तो मिलती हूँ, ये रही दीदी। हाय दीदी, ये देखियो, ये देखियो दीदी बैठी है, छोटे पर भी सो रहा है अभी। मिलते हैं फिर। ये देखो अर्शवी कर रहा है पढ़ाई, ये दीदी बैठी है सामने, चलती है दे दे रही। और मैं अब निकल रही हूँ अपने घर के लिए, घर जाना है, खाना पीना खाना है और 2-3 काम पेंडिंग में पड़ा हुआ वो करना है, करके चुपचाप जाके सोना और थोड़ा सा यूट्यूब का काम बाकी है। कपड़े इस्त्री प्रेस करने हैं, इस्त्री करने कपड़े। हाँ तो नानी घर से काफ़ी टाइम पहले ही आ गई थी, 2-3 काम पड़ा हुआ था पेंडिंग में, वो फटाफट मैंने करे कम्प्लीट, फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग शुरू किया। अभी मैं बहुत टायर्ड लग रही हूँ, मतलब नींद इतनी आ रही है ना मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइस काम यही था कि अर्शवी के कपड़े स्कूल वाले वॉश करने के लिए पड़े हुए थे और बाहर भी कुछ सूखने डाल के गई थी वो निकालने थे, बारिश की वजह से पूरा बैलकनी पानी से पूरा भर गया था। तो सारी चीज़ें अभी नीट एंड क्लीन करी कंप्लीन करके। ये देखो लीजा रानी सो रही है और वहाँ पोछा रख दिया ताकि दोबारा पानी ना आए। और मैं आगे बेड पर चली हूँ सोने, मैगी बनाती हूँ खाती हूँ फिर चुपचाप सोती हूँ। तो इसी दौरान गाइस ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आए, तो गाइस आप मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। एंड गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।